बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उस्मान डार, मैं आपको और आपका जो प्रोग्राम कामयाब जवान, उसको पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के यूथ के लिए, नौजवानों के लिए 10 अरब रुपया आपने एलोकेट किया है। ये मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने नौजवानों की मदद करने के लिए, अपने हुनर, अपनी बिजनेसेस करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ों के लिए बलूचिस्तान में शदीद ज़रूरत है। और जो आपने इतनी बड़ी एलोकेशन दी, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो अभी आपने जिस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, इंशाल्लाह, क्योंकि आपने पहली दफ़ा ये शुरू किया पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम, और बैंकों को भी पूरी तरह इसमें समझ नहीं है कि लोन्स कैसे देने हैं, उनको आदत नहीं है छोटे लोन्स देने की, तो इसलिए ये अभी स्लो स्टार्ट किया है। लेकिन मुझे पता ये है कि अब आप अपने एक्सपीरियंसेस सीख के, हमने अब और बैंकों को भी और तरीके इस्तेमाल करने हैं ताकि और तेज़ी से हम ये लोन्स लोगों को बांटें और डिसबर्स करें। जो मुझे आपका प्रोग्राम सबसे अच्छा लगा वो माही गिरों का था, और उसमें बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सबसे कम्युनिटी गरीब है इस वक्त वो माही गिरों की है, और वो बड़ी, उसके लिए मुश्किलात भी बहुत है। बड़े ट्रॉलर्स आते हैं, मछलियां पकड़ लेते हैं, और करप्शन बड़ी है, उनको लाइसेंस नहीं देने चाहिए, वो आते हैं तो इनके लिए और मुश्किल हो जाती है। फिर कराची के इर्द गिर्द इतनी पोल्यूशन समुंदर में जा रही है, उसकी वजह से मछलियाँ जो काफ़ी दूर जाके पकड़नी पड़ती हैं। लेकिन जो सारा जो बलूचिस्तान की आपकी कोस्ट लाइन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल फिशरीज़ का है। और जान साहब, आपसे मेरी बात भी हुई हुई है, ये जो केज फिशिंग है जिसमें चाइना सबसे आगे है, ये सारी आपकी कोस्ट लाइन के ऊपर हो सकती है। और ये जो कर्जे हैं, इससे बहुत आसानी होगी कि आप उनको थोड़ी देर की ट्रेनिंग के अंदर, एक तो वो समझ जाएंगे, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है केज फिशिंग, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये कि उनके पास कैपिटल आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, उनको कर्ज़ा मिल जाएगा, ताकि वो जो भी उसके लिए उनको चीज़ें खरीदनी हैं, जो इक्विपमेंट खरीदनी है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो एक तो मुझे इसकी बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर कोस्ट लाइन के ऊपर, मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा आपका, एक तो सिंध के अंदर है, और एक ये तो बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है, गुरबत भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अपलिफ्ट करेगा नौजवानों को, उनकी बिल्कुल अपनी अपने आप को बदल सकेंगे, और पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो केज फिशिंग है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। तो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा आया करें बलूचिस्तान, और इलाकों में फिरा करें, और यूनिवर्सिटीज़ में अपने प्रोग्राम को लेके जाएं, क्योंकि अभी इसकी इतनी पब्लिसिटी नहीं है, लोगों को अभी इतनी इसकी समझ नहीं है। ये वो प्रोग्राम है जो कि हमें अगले 2.5 सालों में, अगले 3 सालों में ये सारे पाकिस्तान में फैल जाना चाहिए, हर उस इलाके में जिधर जिधर लोग पीछे रह गए हैं, जिधर नौजवानों को के पास वसाइल नहीं है अपनी बिजनेसेस छोटी छोटी सेटअप करने के लिए। लेकिन इसको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत, आपको ज़रा ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको टीमें बनानी पड़ेंगी, आप अगर ख़ुद नहीं जा सकते तो आपकी टीमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएँ। असल में आपको यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अप्रोच करना पड़ेगा, जब लोग सोच रहे हों कि अपना आगे उन्होंने कारोबार क्या करना है, तो उस लेवल के ऊपर आपको अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ट्रांसफॉर्मेशनल है, इससे बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है लोगों की ज़िंदगियों के अंदर। तो मैं फिर से आपको इस प्रोग्राम की आपको मुबारक भी देता हूँ, और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। शुक्रिया।